कितना सुर्ख लाल अंदर। हमारा यहाँ पे जो भी स्टाफ है मैक्सिमम कश्मीरी स्टाफ है सर, कश्मीरी पंडित भी हैं, मोमडन्स भी हैं, सब मिलके यहाँ पे काम करते हैं सर। कश्मीरी लोग तो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, मिर्ची मेन रोल जिसमें मिर्ची का होता है, जो कश्मीरी स्पाइसेस है, लगभग 80 ग्राम का पीस होता है एक। हींग का पानी जी, ये अपने पहाड़ों वाला हींग होता है, जो यहाँ पे मिलता है वो वाला नहीं है। केस की जरूरत नहीं है किसी बट। अरे वाह यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, थैंक यू। ये कीमा की बॉल्स हैं टीवी, और आप देख सकते हैं लेयर बाय लेयर कैसे लगे। वो जयपुर में बैठ के कश्मीरी डिश खा रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक। स्पेशल मसाला है जो हम किसी को नहीं बताते इसकी रेसिपी। हाँ भाईचारा बिल्कुल बरकरार है, अब तो वैसे कश्मीर में भी बरकरार हो रहा है। कश्मीरी मिर्ची के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तीखी नहीं होती है ये। शेफ को वाजा बोला जाता है जी कश्मीर में। बिल्कुल सर, तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं सर अपना कश्मीरी रोगन जोश जी, अपना जो पंडितों वाला कश्मीरी रोगन जोश होता है वो बना रहे हैं आज हम। मतलब कश्मीरी पंडितों का और कश्मीरियों का अलग अलग होता है? हाँ, एक्चुअली मोमडन्स का अलग होता है, पंडितों का अलग होता है। अच्छा, तो आज हम पंडितों वाला रोगन जोश बना रहे हैं। क्या चलो, तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक बार आप बता दीजिए उसके बारे में। इसमें सर सबसे पहले तो हम इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल, हाँ, सरसों का, ये पका हुआ सरसों का तेल है, पका के रखा हमने। ओके। उसके बाद अपना इसमें मिर्ची मेन रोल जिसमें मिर्ची का होता है, जो कश्मीरी स्पाइसेस है। तो ये जो सारे स्पाइसेस हैं ये कश्मीर से ही लाते हैं? हाँ बिल्कुल सर, नहीं ये भी कश्मीर से ही आता है, कश्मीरी मिर्ची, ये सौंफ आता है अपना, ये भी कश्मीर से ही आता है। ये जो भी गर्म मसाले हैं अपने अलग अलग तरीके के, ये सब कश्मीर से मंगवाते हैं हम। अब स्टार्ट करने के लिए इसमें तो सबसे पहले हम ये पका हुआ तेल डालेंगे। सरसों के तेल के बाद सर थोड़ा सा हल्का गर्म हो गया, अब इसमें आप खड़े मसाले डाल सकते हैं। ये तेज पत्ता आ गया, ये दालचीनी आ गई, अपना ये बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची हो गई, और अपना लौंग, ठीक है लौंग, और थोड़ा सा अपना जीरा, साबुत जीरा, हाँ 1.5 किलो मटन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम अभी। अब हो गया सर अपना कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं हम इसमें। कश्मीरी लाल मिर्च, एक्चुअली ये तीखी नहीं होती है, कलर के लिए ज़्यादा यूज करी जाती है। अच्छा, तो इसलिए इसको कश्मीरी मिर्ची के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तीखी नहीं होती है ये। तीखी कम होती है बल्कि? हाँ बहुत कम होती है। मिर्ची की भी एक अलग खुशबू है, मतलब यस अलग खुशबू सी। अब इसमें हम हींग का पानी यूज कर रहे हैं। हींग का पानी जी, एक्चुअली सर ये भी कश्मीर से ही आता है हींग, ये अपने पहाड़ों वाला हींग होता है, जो यहाँ पे मिलता है वो वाला नहीं है, इतना लिक्विड में आता है ये। ये आता ही लिक्विड में? यस। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सुर्ख लाल हो गया है। बिल्कुल सर, तो अभी इसमें दही डालते हैं, तो तब हिलाते हैं जी। बिल्कुल, नहीं ये क्या है कि ये जो लाल हो रहा है, लाल का मतलब ये कि रोगन, रोगन जोश, क्योंकि अगर ये लाल नहीं होगा तो फिर रोगन कैसे कहा जाएगा इसको। सही है, कलर सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही लाल है। अब हम सर इसमें मटन डाल देंगे। तो मटन के हम कौन से पीसेस लेते हैं? ये सर अपना नली का हो गया, पुट का हो गया, चाँप हो गई, और गर्दन का, ये चार चीजें हम इसमें लेते हैं। चार ना? जी वाह, मतलब यार आप लोग देख सकते हो कि कितना सुर्ख लाल अंदर, इतना डार्क मैंने पहले इससे पहले नहीं देखा था, और पीसेस बहुत ही अच्छे हैं। पीसेस भी सर हमारा पीसेस का भी कटिंग का हिसाब किताब होता है, ये लगभग 80 ग्राम का पीस होता है एक। नॉर्मल जो बनता है वो अपना 60-50 ग्राम का पीस होता है, बट हमारा जो हम बनाते हैं इसमें 80 ग्राम का पीस मिनिमम होना चाहिए। ओह क्या बात है यार, ये जो बन रहा है इसमें ना तो आप लहसुन यूज़ करेंगे, ना हम इसमें प्याज यूज़ करते हैं, ना टमाटर यूज़ करते हैं, ऑनली यही स्पाइसेस में बनता ही है। अच्छा, लहसुन प्याज भी नहीं डलेगा? नहीं सर। तो वहाँ के आप कश्मीरी पंडित हैं जी, तो थोड़ा कश्मीरी वाजवान के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कुछ? सर एक्चुअली कश्मीरी वाजवान जो है अपना पंडितों वाला अलग होता है कश्मीरी वाजवान। अच्छा। तो कश्मीरी जो पंडितों वाला खाना है वो अलग है। ओके। हाँ, तो वाजवान में अपना जैसे अपना बहुत सारी वैरायटी हैं, उसमें 20-25 आइटमें हैं, वैसे अपने कश्मीरी पंडितों वाले में भी 25-30 आइटमें हैं। अच्छा। तो अलग अलग बनता है ये।
सर दोनों के बनाने में ये होता है कि हमारे जो पंडितों वाला होता है उसमें सौंफ पाउडर का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है और मिर्ची पाउडर का। अच्छा हाँ, और जो मोहम्मडंस में है उसमें बहुत कम मसाले भी नहीं जाते, वो ऑनली उसमें जो होता है वो प्याज की ग्रेवी बनती है उसमें, एक उसमें बनता है वो खाना और दही में, बट अपना जो होता है अपना सिर्फ मसाले में ही बनता है। मैक्सिमम सौंफ और मिर्ची ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। मतलब ना पीस अभी से ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, एक एक पीस अलग दिखेगा सर आपको, ये कोई टूटा हुआ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, साबुत पीस आपको दिखेगा। तो अभी सर अब हम इसको पानी डाल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पानी हम डालेंगे। हाँ, ये पानी का आपको इस तरीके से पता पड़ेगा कि ये जो मटन है पानी इसकी लेवल में आना चाहिए। ओ बबलो चलो दे आ भाई यूर यार ओके। तो ये क्या भाषा आप यूज़ कर रहे हैं? ये सर एक्चुअली मैं कश्मीरी में इनसे पानी मंगवा रहा था, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो भी स्टाफ है मैक्सिमम कश्मीरी स्टाफ है। क्या बात, तो यहाँ पे सिर्फ कश्मीरी पंडित ही हैं या और भी? सर कश्मीरी पंडित भी हैं, मोहम्मडंस भी हैं, सब मिलके यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, भाईचारा बिल्कुल बरकरार है, अब तो वैसे कश्मीर में भी बरकरार हो रहा है, बरादरी की तरह से रहते हैं हम लोग, मिलके काम करते हैं। अभी ये थोड़ा सा उबलेगा, उसके बाद इसमें मसाले डालने हैं, उसके ठीक एक घंटे के बाद ये बिल्कुल तैयार होगा। मिनिमम एक घंटा इसको लगता है। ये क्या है कि ढकने के लिए, ढकने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उबाल इसमें पानी में जल्दी आ जाए, और उबाल आते ही हम इसमें फिर मसाले ऐड कर लेंगे। अच्छा। अभी सर इसमें 5-10 मिनट हो गए, अभी ये ढक्कन में उठा रहा हूँ, इसमें उबाल आ गया है, बिल्कुल उबाल आ गया है। अब मैं इसमें अपने कश्मीरी मसाले डालता हूँ। ये सबसे पहले तो मैं अपना सौंफ पाउडर उठा के, इसमें सौंफ पाउडर का मैक्सिमम यूज़ होता है। अच्छा, तो ये सौंफ क्यों डाली जाती है इसमें? सर सौंफ इसलिए डाली जाती है कि सौंफ जो है ये मसाले में बड़ा ठंडा माना जाता है। अच्छा। और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये, तो मतलब इसलिए सौंफ का मैक्सिमम मसाले वगैरह हाँ। डलते हैं तो उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देता होगा, जी खाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, और मेन इसका यही होता है कि हाजमे के लिए भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता ये, इसलिए सौंफ का मैक्सिमम यूज होता है इसमें। इसका कलर बहुत सही लग रहा है ना? जी बिल्कुल। ये अपना आ गया सर जीरा पाउडर, ये जीरा yes. रोस्ट किया हुआ जीरा है। yes. ये अपना जो बड़ी इलायची होती है काली वाली, उसका पाउडर है, ये खुद हम यहाँ पे पीसते हैं। अच्छा। खुद इसको यहाँ पे बनाते हैं, पिसा हुआ यूज नहीं करते सर हम। ये अपना दालचीनी पाउडर आ गया, दालचीनी पाउडर जी। तो सारे मसाले एक ही साथ डलते हैं इसमें है ना? जी बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मसाले किस देर में किसी नहीं सर। और ये कितना कितना आप डालते? ये अपना जिंजर पाउडर आ गया सर। अच्छा। ये आप ये देख सकते हैं, ये मैंने 3 चम्मच डाला हुआ है अभी। ये वो जो सूखी हुई सौंठ होती है उसका? हाँ हाँ, उसका पाउडर है सर। ओके। ये अपना कस्तूरी मेथी आ गया, कस्तूरी मेथी। एंड ये नमक आप अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक ये पहाड़ी नमक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, पिंक वाला। यस यस, बहुत बढ़िया। ये हो गया सर अपना एक, ये हमारा अपना स्पेशल मसाला है जो हम किसी को नहीं बताते इसकी रेसिपी। अच्छा, यूनिक। हाँ, ये अपना यूनिक मसाला है सर। अच्छा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल आप इतना सा यूज करते हैं इसमें? अच्छा, इतना कम? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका क्या महक सर? मैन तो यही है, इसी से रोगन जोश बनता है आपका, इसी से रोगन जोश की जो महक आएगी आपको बाद में, इसी से होगा सब। तो ये महक के लिए यूज होता है कि रंग के लिए? महक के लिए यूज होता है सर, महक के लिए यूज होता है। क्या बात है यार, इसकी रेसिपी नहीं दोगे मतलब? नो सर। अब मैं इसको ढक के रख रहा हूँ सर, इसको एक घंटा पकने में, तैयार होने में लग जाएगा, एक घंटे के बाद यह तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिश को ढक के रखना है। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट क्या बना रहे हैं अपन? सर नेक्स्ट हम अपना बना रहे हैं सर, एक तो मटन रिश्ता, मटन रिश्ता और मटन गोश्ताबा, मटन गोश्ताबा। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो कि मेन वाजवान की जान है मान लो ये। जब कश्मीर में वाजवान हाँ, बनता है तो ये दो डिशें बनाई ही जाती है। ये कम्प्लीमेंट्री मान लो कि हर किसी चीज़ के साथ होगी होगी, ये नहीं है तो वाजवान अधूरा है आपका। तो सर सबसे पहले ये अपना मटन गोश्ताबा होता है। हुँ। और ये इसकी ग्रेवी है। अच्छा। ये दही की ग्रेवी होती है, ये ऐसे बनाई जाती है। तो सर सबसे पहले तो हम मटन कूटते हैं। हाँ। जो मटन हम कूटते हैं वो बिल्कुल गर्म और फ्रेश होना चाहिए। हाँ। तभी जाके ये अच्छा बनता है, अदरवाइज ये बेकार हो जाता है। तो आपको सबसे पहले मटन लेना है, उसके साथ फैट लेना है,
उसके बाद ये बॉल्स बनाए जाते हैं मटन के, और फिर इसको दूध में बॉयल किया जाता है। आफ्टर दैट उसके बाद हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी होती है जो कि दही से बनती है। अपना क्या होता है कि इसमें दही डालते हैं हम, ये मटन गोश्ताबा हो गया, हड्डियों का सूप इसमें जाना चाहिए, तब जाके इसमें मज़ा आता है ग्रेवी में। अच्छा, और साथ में पकाने का मकसद ये होता है कि अगर हम गोश्ताबा ग्रेवी में ना पकाएं तो इसमें जो गोश्ताबा का फ्लेवर आता है ग्रेवी में वो नहीं आ पाएगा। अच्छा, ओके। मैं सबसे पहले तो देसी घी लूँगा थोड़ा सा, आधा चम्मच ये थोड़ा फ्राई पैन में डाल देते हैं। ये रेडी ग्रेवी है, बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम फाइनल टच देने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने इस पर डाल दिया, बहुत ही बढ़िया है, ये हो गया सर। तो जब ये गोश्तबा की जो ग्रेवी है ये वाइट वाली जब बनती है तब इसमें क्या क्या डाला जाता है? मतलब सबसे पहले दही जाता है इसमें, और अपने खड़े मसाले जो अपना तेज पत्ता हो गया, बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची, लौंग और जीरा, ये तीन चार चीज़ें इसमें उबालते समय डालते हैं। हाँ बस, और दही होता है। ये गोश्ताबा डाल रहा हूँ सर मैं इसमें, अब जो हाफ डन है, अब इसको हम पूरा कुक करने जा रहे हैं। अब मैं सर इसमें थोड़ा सा ये पुदीना पाउडर है अपना, अच्छा देसी पुदीना है ये पहाड़ों वाला, इसको थोड़ा इसमें ऐड कर देते हैं। और ये हल्का सा जिंजर सॉल्ट, जी हाँ। और ये क्या है? और ये हल्की सी दालचीनी सर, दालचीनी का पाउडर, इमराश बुडल पाउडर। ये सर एक्चुअली मैंने कश्मीरी में बोला कि ये बड़ी इलायची पाउडर है। अच्छा बढ़िया, तो आप तो सब लोग आपस में कश्मीरी में ही बात करते होंगे यहाँ पे? जी बिल्कुल, तो आपस में जब मिलते हैं बात करते हैं सर। अभी बनते वक्त तो बहुत ही सही लग रहे हैं, और बॉयल 10 मिनट के बाद आप देखेंगे इसको जितना ये अभी दिख रहा है इससे डबल हो जाएगा ये फूल के। तो सर अब मैं आपको मटन रिश्ता के लिए प्रिपरेशन करके दिखा रहा हूँ। ग्रेवी दोनों की डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम पहले प्याज बॉयल किया जाता है, हाँ। बॉयल किया जाता है, अच्छा। बॉयल करने के साथ साथ उसके साथ थोड़े से खड़े मसाले डालने पड़ते हैं। उसको बॉयल करने के बाद फिर इसको ग्राइंड किया जाता है प्याज को, ये प्याज की थिकनेस है सर। अच्छा, और फिर इसके साथ अपना बोन्स, जो मटन बोन्स होते हैं वो डालते हैं, ताकि मटन बोन्स का जो स्टॉक होता है सूप वो निकल के इसमें ग्रेवी में आ जाता है। तब मैं इसको बनाने के लिए अभी, तो दोनों का जो बनाने का प्रोसीजर है सेम ही है? हाँ बिल्कुल सर, ग्रेवीज, हाँ ग्रेवीज का डिफरेंट है बस। सर कश्मीरी लोग तो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो वैसा ही बनाएगा चटपटा। हाँ बिल्कुल, मैं ऑथेंटिक टेस्ट लेने आया हूँ तो मैं चाहता हूँ ऑथेंटिक तरीके से बने और मैं खाऊं। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अब मैं इसमें ये मटन बॉल डाल दे लेता हूँ। ये है रिश्ता, हाँ ए यशो मटन रिश्त, मटन रिश्त। अभी हम इसको 15 मिनट ढक के रखेंगे। अच्छा, तो सर अभी देखा आपने 10 मिनट के बाद, 10 मिनट पहले मैंने कैसे डाले थे, हाँ। और अब इनकी शक्ल कैसी है, लगभग डेढ़ गुना बढ़ गया, बड़े भी हो गए। हाँ बिल्कुल सर, तो अभी इनको बस सर्व कर लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब ये रेडी हो गया सर सर्व के लिए। तो मुझे हाफ पोर्शन ही दीजिएगा आप, है ना? हाँ हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा इसको। ओके, लेकिन बहुत ही सही लग रहा है यार। ये हाफ पोर्शन दे रहा हूँ सर मैं आपको, हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन में दो पीस आते हैं अपने। सर हल्का सा ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं क्रीम डाल रहा हूँ इसमें। ओके, बहुत ही बढ़िया। ये सर अपना मटन गोश्ताबा रेडी हो गया खाने के लिए। इच्छो कौशर गोश्ताब, मतलब ये कश्मीरी गोश्ताबा है। क्या बात है, इसका भी साइज ऑटोमेटिक चेंज हो गया, हाँ, क्योंकि ये सारी साइज बढ़ गया और ग्रेवी इसके अंदर चली गई। हाँ अरे वाह यार, क्या बात है। आपकी यार कटलरीज बहुत सही है यार। जी हर चीज के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ये कटलरी हम कश्मीर से लेके आए हैं, बहुत ही बढ़िया। ये अब इसमें मैं हल्की सी, ये रोगन है अपना, मटन का रोगन बनाया जाता है ये। अच्छा मटन का रोगन, हाँ। तो इसको हल्का सा गार्निशिंग में यूज करते हैं हम थोड़ा सा। वाह यार क्या, और थोड़ा सा सर धनिया। अच्छा बहुत सही लग रहा है यार ये, बहुत सही। तो अभी हम ये दोनों चीज़ें खाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ का स्वाद कैसा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सर, हमारे रोगन जोश को लगभग 1.25 घंटा पकते हुए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये हम बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया। जैसे जैसे आप खुशबू लेते जाएंगे आपकी भूख और बढ़ती जाएगी। ये कमाल है मसाले का, जो ठंडे मसाले होते हैं अपने कश्मीरी प्योर मसाले। सुर्ख लाल कलर है ये, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ये आपको टेस्ट करवाऊँगा। तो वैसे तो हम अभी खाएंगे, लेकिन उससे पहले शेफ चाह रहे हैं कि मैं एक पीस जो है उसको यहीं पर थोड़ा सा टेस्ट करके देखूं। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट करके देखते हैं।
और ये थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रेवी। तो एक्चुअली मैं अभी तो पूरा सब कुछ खाऊंगा, लेकिन इन्होंने अभी मुझे एक पीस निकाल के दिया है रोगन जोश में से, बहुत ही गर्म है, आप देख सकते हो धुआं निकल रहा है। तो इन्होंने बोले कि एक बार आप टेस्ट करके देखें। तो ये देखो कितना, मतलब कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल अलग हो गया, गर्म है लेकिन बहुत। तो हम थोड़ा सा एक टेस्ट करके देखते हैं इसको। ये देखिए ये है, लेट्स टेस्ट। मतलब जितना डार्क ये दिख रहा है वैसा लग रहा होगा बहुत स्पाइसी होगा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल ग्रेवी और मटन मतलब मुंह में जाते ही घुल जाएगा, वेट नहीं हो रहा। अब इसको वहीं पे लगवाते हैं और खाते हैं, बहुत ही सही। तो ये जूते खोल दिए हमने, बैठते हैं ऊपर। सही है, मतलब सिटिंग कंफर्टेबल है। वैसे हमारे राजस्थान में भी बैठक वाली चीज़ होती है, बट कश्मीर में भी जब ऑथेंटिक स्टाइल से खिलाया जाता है, चाहे वो शादी हो चाहे कोई भी समारोह, तो बिठाकर ही खिलाया जाता है। जब मैं यहाँ जस्ट मैंने एंटर किया, तो बिल्कुल आपको ना कश्मीरी फील दिखेगा। आप एंटर करोगे, जितनी भी इनका इंटीरियर है वो हाउस बोट जैसा इंटीरियर आपको मिलेगा, सब कुछ जो है वुडन है। और अंदर आते ही जो आप ये देखेंगे डाइन एरिया, तो वो भी बिल्कुल जैसे ऑथेंटिक डाइन हॉल्स होते हैं उस तरह का ही आपको दिखेगा। विंडोज़ भी ओपन होती हैं, राइट? अरे वाह क्या बात है। तो अभी ये एक प्रोसीजर है हाथ धुलाने का, राइट? ओके, बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच। तो ये एक कि इसी तरह से कश्मीर में जब शादियां होती हैं, जब वाजवान की तैयारी होने के बाद जब पेश किया जाता है दस्तरखान पे, तो इसी तरह से हर एक मेहमान के हाथ धुलाए जाते हैं। तो वो भी इन्होंने यहाँ पे किया, हालांकि मैंने वीडियो देखी थी, मैं कश्मीर गया तो नहीं हूँ अभी तक, बट वो सारा एक्सपीरियंस जो है मैं अपने जयपुर में बैठे बैठे ले रहा हूँ। और अगर आप भी लेना चाहते तो यहाँ ज़रूर आइएगा। हालाँकि अब बस हमारी चीज़ें आने वाली हैं, तो मतलब भी इनकी जो कटलरी है वो भी कश्मीरी है, बिल्कुल वो जो तांबे की होती हैं, जिस तरह से आप देख सकते हो ये है, और लाइक दिस, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये आ गया है हमारा वाजवान। सबसे पहले है राइस, और ये है हमारा रोगन जोश, जो जिसकी अभी हमने आपको पूरी मेकिंग दिखाई थी। ये है गोश्तबा, और सबसे एंड में रिश्ता। तो ये है हमारा दस्तरखान, और ये है सीख कबाब, मटन सीख कबाब। प्रिपरेशन देखिए यार आप इनकी, बिल्कुल सादी है बट जो इनकी कटलरी है उसकी वजह से बहुत ही अच्छी लग रही है। तो रोटी यहाँ पे हमारे पास जो है वो खमीरी है, राइट? मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। सो ये है खमीरी रोटी। खमीरी हालांकि हमने पहले भी जयपुर में खाई है, लेकिन अभी इनकी खा के देखेंगे कि कितनी अलग है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं चावल ले लेता हूँ, सकते हो एक एक दाना, मतलब अलग अलग है, स्टीम राइस लग रहे हैं ये। और उसके बाद में एक खमीरी रोटी भी ले लेता हूँ यहाँ पर। अब ले लेते हैं, आप इसकी डिटेलिंग देखो यार। ये है रोगन जोश। रोगन जोश को बनने में तकरीबन एक से सवा घंटा लगा था, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एक तो कश्मीरी लाल मिर्च, और दूसरा इनकी जो वो सौंफ थी कुटी हुई। तो ये हम एक चाप का पीस जो है इसको ले लेते हैं चावल के ऊपर ही, और इसके ऊपर ये डाल देते हैं। तो हम सबसे पहले रोगन जोश ही खा के देखेंगे, और उसके बाद बाकी चीज़ें खाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ, ये है, और मैं हाथ से खाऊंगा। मैं वैसे ज़्यादातर चीज़ें हाथ से ही खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि जायका उसी में ही आता है, और कश्मीर में भी जब लोग खाना खाते हैं तो हाथ से ही खाते हैं। तो ये गोश्त बिल्कुल देखो बहुत ही ईजीली अलग हो रहा है, ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से पका हुआ है। एक निवाला बनाते हैं, और बहुत ही शानदार, मतलब इतनी डार्क ग्रेवी होने के बावजूद इतना जो मसाले महसूस होंगे आपको। बाकी जगह क्या होता है कि मिर्ची उन मसालों को दबा देती है, यहाँ पे हर एक मसाला आपको फ्लेवर देगा। शानदार यार। अब मैं इसी चावल के ऊपर लूँगा रिश्ता। रिश्ता
एक्चुअली एक डिश होती है जो कि वाजवान की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिश है, और इनका साइज़ पहले कम था और इसमें पकने के बाद इनका साइज़ भी बड़ा। और इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा रोगन लाइक दिस। मैं आपको दिखाता हूँ ये है कैसा अंदर से। तो इसको ये देखिए, ये कीमा की बॉल्स हैं बहुत ही अच्छे से कोटी हुई, और आप देख सकते हैं लेयर बाय लेयर कैसे निकलती है। पहले इसको एक थोड़ा सा ना रॉ ही खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। सॉल्टी, सॉफ्ट, और जो इसकी करी है उसके मसाले बहुत माइल्ड टेस्ट दे रहे हैं। इसको आप चावल के साथ खाते हैं। ये देखिए, ये बॉल एंड चावल एंड करी, मतलब राजस्थान के जयपुर में बैठा हूँ और जयपुर में बैठ के कश्मीरी डिश खा रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक। ये मैं थोड़े से और यहाँ पे राइस ले लेता हूँ, और अब हम ट्राई करेंगे कुश्ताबा। कुश्ताबा, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, अगर गलत करूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये हम ले लेते हैं और इसको डालते हैं चावल के ऊपर इस तरह से। देखिए इसकी भी मैं आपको बता दूँ, ये भी रिश्ता की तरह ही जो है कीमा बॉल्स हैं, इसको कुश्ताबा बोलते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट है। देख सकते हो आप कितने सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे से अलग हो गए। और अब इसको तोड़ के इस तरह से और चावल में खा के देखते हैं। इसका मैं टेस्ट बताता हूँ आपको, बहुत ही माइल्ड टेस्ट आएगा, सॉल्टी, थोड़ा सा सॉल्टी, और जो कर्ड का दही का जो टेस्ट आता है जब दही को आप पकाते हो, तो एक दही का जो खट्टापन होकर के जो टेस्ट आता है वैसा सा टेस्ट आ रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी को अगर मसाले कम पसंद हो तो उसके लिए ये बहुत ही सही है और वो खा सकते हैं अच्छे से। वाह, तो ये सब हमने टेस्ट किया। अब एक चीज़ रह गई है, वो है ये कबाब। ये सीख कबाब है, मटन सीख कबाब, बहुत ही नरम। एक बार अब इनको खा करके देखते हैं, एक इस लच्छे के साथ में। मसालों का टेस्ट, उनकी फ्रेग्रेंस आपको हर बाइट में आएगी। इन्होंने सही कहा था, देखो आजकल हर कोई पकड़ लेता है, सब स्मार्ट हो गए हैं, मैं तो हूँ ही, आप लोग भी। जब यहाँ खाने आएंगे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आप कोई भी चीज़ खाएंगे ना तो मसालों का टेस्ट भी अलग आएगा और उनका एक उनकी फ्रेग्रेंस भी अलग आएगी। और मुझे फिर कॉमेंट करके बताएगा कि क्या मैं सही हूँ या गलत। बहुत बढ़िया। तो अब मैंने आपको पूरी मेकिंग दिखाई, सबका मैंने टेस्ट आपको मैंने रिव्यू किया, इसका टेस्ट मैंने आपको बताया कैसा है। अब इसकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जो रोगन जोश है उसको मैं 10 out of 10 दूंगा। मैंने ऐसा रोगन जोश इससे पहले कभी भी नहीं खाया, बिना लहसुन प्याज का पहला एक्सपीरियंस है मैंने ये खाया है, तो उस हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसकी रेटिंग यही होनी चाहिए। बाकी जो रिश्ता और कुश्ताबा है उसमें से रिश्ता मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो दूसरी चीज़ है वो थोड़ी सी माइल्ड है। अच्छे दोनों हैं, बट रिश्ता 10 out of 10, कुश्ताबा 10 out of 9, क्योंकि मेरे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो वैसे नहीं हैं, शायद आपके हों। जो इनका स्टाफ है, सारा स्टाफ इनका जो है वो कश्मीर से है, इवन इनके जो मैनेजर है वो भी कश्मीर से ही हैं। जो रोगन जोश है, रोगन जोश की जो प्रिपरेशन है वो भी कश्मीरी पंडित जिस तरह से बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के, उसी तरह से ये रोगन जोश बनाया गया है। बहुत ही सही टेस्ट है, आप ये तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप यहाँ पर आएंगे नहीं और खाएंगे नहीं। कबाब्स 10 out of 10। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, मैं ये सारी रेटिंग्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी प्राइजेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इवन यहाँ की जो लोकेशन है उसकी एड्रेस और गूगल लोकेशन दोनों में, और कॉन्टैक्ट नंबर भी, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज कहवा, कश्मीरी कहवा। सबसे पहले तो हम इसके बीच में एक पाइप होती है, इसमें कोयले डालते हैं। अच्छा, इस कोयले की वजह से ही अपनी जो कश्मीरी कहवा है वो रेडी होगी, जिसमें किसी गैस की जरूरत नहीं है, किसी भट्टी की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि इसको अपन ने खोला। अब ये देखिए, अच्छा इसमें है कोयले। हाँ, ओके, कोयले सेंटर में हो गया। जो साइड एरिया है, साइड एरिया वहां से धुआं भी आ रहा है, इसके लिए तैयारी करते हैं सर। ये अपना गर्म पानी मैंने लिया है। अच्छा, इसमें गर्म पानी आप डाल रहे हो। गर्म, अब ये अपनी चाय पत्ती होती है सर, ये कश्मीरी कहवा चाय पत्ती होती है। अच्छा। देसी चाय होती है ये।
बहुत अच्छी होती है। तो ये अपना केवा उठाया हमने, तो चाय पत्ती के बाद सर अपना ये कश्मीरी बादाम, इलायची और सैफरान ये मिक्स किया हुआ है, पीसा हुआ है। इसके बाद हम इसको भी इसमें एडजस्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि आपका इलायची का फ्लेवर, केसर का फ्लेवर और बादाम का फ्लेवर, वो तीनों आपको तीनों इसमें आ जाते हैं। नाउ हम इसमें कश्मीरी सैफरान ऐड करेंगे, जिसको हम कश्मीरी बोलते हैं कुंग, या हम इसमें डालेंगे सो दैट इसका कलर और ही और बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, क्या तो बस अब आप इसको हम क्लोज करेंगे। अभी 5 मिनट में देखेंगे आपकी इसमें चाय बन चुकी होगी, बॉइल हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कश्मीर में, हम उसको बोलते हैं कि ये ग्रेक ग्रक हसन या। तो अभी जब हम सब कुछ खा करके उठे तो मुझे बोला गया कि जो इनका कहावा होता है वो खाने के बाद में पिया जाता है, ताकि डाइजेस्ट भी हो जाए और एक एक ड्रिंक भी हो जाए, जैसा कि हम लोग चाय पीते। तो कहावा आ गया है, तो एक बार हम कहावा भी पी करके देखते हैं। तो यह है कहावा, अभी आपने देखा था ये कैसे बनता है, किस तरह से प्रिपेयर होता है, बहुत ही ऑथेंटिक स्टाइल से। अब एक सिप लेके देखते हैं। एक्चुअली जो टेस्ट है वो है गरम पानी, उसमें थोड़ी सी चीनी मिठास के लिए, बिल्कुल थोड़ी सी, और इसमें मसाले हैं। अब वो कौन से मसाले हैं, बट खुशबू भी अच्छी आ रही है। काली मिर्च मुझे महसूस हो रही है यहाँ तक पहले सिप में, और इसमें बादाम का जो क्रश करके डाले गए थे वो है। टेस्ट बहुत सही है, रिफ्रेश कर देगा इतने कुछ भी आप अगर हैवी खाते हो और कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए तो। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों से कहनी थी, वो ये कि टेस्ट बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन आपने देख ली, लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए, वो ये कि जब तक कश्मीरी वाजवान या कश्मीरी डिश कोई भी आती है आपके पास खाने के लिए, जब तक वो गर्म है तब तक तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आपको मिलेगा, जायके बहुत ही अच्छे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ना वो ठंडा होने लगा तो वो थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा टेस्ट के मामले में। तो जब भी आप यहाँ आते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, मेक श्योर कि उस जब तक वो गर्म है तब तक आप खा लें, समय ज़्यादा वेस्ट ना करें बातचीत में, मज़ा लें खाने का। तो जब तक गर्म है बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, उसके लिए तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब यहाँ आएँ और एक बार इसको टेस्ट करके एक्सपीरियंस ज़रूर करके देखें इस जगह को और इसके खाने को। बाकी मैंने सारा अपना एक्सपीरियंस आपको बताया, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और अच्छे नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।